अमरावती की सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में ये धमकी दी गई है। अमरावती पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संदेश भेजने वाले ने निर्दलीय सांसद के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा, राणा को 3 मार्च को उनके फोन नंबर पर धमकी भरा संदेश आया था, जिसके बाद उनके निजी सहायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर मंगलवार को दर्ज की गई। बता दें आपको, ऑडियो क्लिप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल किए गए थे। पुलिस ने राणा के पीए की शिकायत पर छेड़छाड़, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। एक अधिकारी ने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आगे की जांच जारी है। अभिनेता से नेता बनी नवनीत राणा ने 2019 में शिवसेना नेता अंदर राव अटसूल को अमरावती लोकसभा सीट से हराया था और सांसद बनी थी। नवनीत राणा तब चर्चा में आई जब उन्होंने मुंबई में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।